ताकि उनकी वो जो एक हॉप Alright, so guys, आज से no more YouTube. हाँ, I don't know guys, मैं आप लोगों को ये बात कैसे बताऊँ पर मेरा फोन टूट गया है एंड पूरा स्टोरी आप लोगों को बताता हूँ मैं. तो कुछ दिनों से ऐसा हो रहा था कि मतलब एक भी वीडियो नहीं शूट की थी, 5-6 दिन हो गए थे. तो कल यानी वेडनेसडे को मैंने सोचा कि एक वीडियो शूट किया जाए, क्योंकि उसके पहले जो 4-5 दिन थे वो बहुत ज्यादा मतलब ऐसे गए थे, मतलब बहुत ज्यादा सीन हुए थे वो दिनों. उस बारे में हम लोग कभी तो आगे जाके जरूर बात करेंगे. ऐसा होगा कि मैंने कल सोचा कि मैं एक वीडियो बनाता हूँ, वो भी ऑलमोस्ट 5-6 डेज के बाद. बल्कि वीडियोस वगैरह सब कुछ प्लान्ड है, सब कुछ है, फिर भी मतलब मैंने कल गया मैं वीडियो बनाने के लिए. तो मैंने वीडियो बनाने में टेरिस पे गया एंड टेरिस पे आप लोगों ने बहुत सारे मेरे ब्लॉग्स देखे रहेंगे, वीडियोस देखे रहेंगे. तो कल जब मैं वीडियो बनाने जब टेरिस पे गया, मैंने सब कुछ शूट कर लिया. एंड के क्लिप्स थे, एंड का आई थिंक सो एक ही क्लिप था जिसको मुझे शूट करना था. एंड वो शूट करते करते कि वो जो एक हॉप जोर से हवाई एंड सब कुछ खत्म हो गया डूड. फोन की पहले तो हम लोग सबसे पहले जाके वो स्पॉट पे देखते कि कैसे गिरा था कैसे नहीं. आप लोग ये क्लिप देख सकते हो, इस प्रकार से कुछ तो हमारा फोन गिरा है. हम हक्का बक्का रह गए. ओके सो गाइस, मुझे लगता है कल के इंसिडेंट के बाद ही यहाँ पे लगा दिया है, क्योंकि मैं वहाँ पे शूट कर रहा था. तो अभी जाके देख बताता हूँ. ओके सो गाइस, अभी मैं टेरेस के ऊपर आ चुका एंड मैंने सारी जगह पे शूट लिया. लाइक जितने भी जगह है सब पे मैंने सोचा था कि कल कुछ अलग शूट करेंगे. मैंने मेरा कैमरा रखा था यहाँ पर एंड वो कैमरा सीधा गिरा वहाँ पे नीचे. आई डोंट नो आप लोगों को दिख रहा होगा नहीं, पर मैं बहुत ज्यादा डर रहा हूँ. एंड यहाँ पे एक पत्थर है यहाँ पे, इसके ऊपर वो जंप किया, वो जो नीचे पत्थर है उसके ऊपर हम सीधा नीचे. तो रूड आप लोग समझ सकते हो कि जब वो फोन ऐसे टिल्ट हुआ तब मेरी कैसी फटी रहेगी. हाँ, फोन की हालत दिखाता हूँ अभी आप लोगों को मैं. चलो सो डूड, ऐसे हो गया 25,000 का फटका. क्योंकि सिर्फ ट्राइपॉड एंड फोन नहीं गिरा, फोन नहीं टूटा. मेरा ट्राइपॉड गया, मेरा माइक गया, माइक का मैंने न्यू होल्डर लेकर आया था बुरा बाजार जाके, वो गया, सब कुछ गया. ऐसा तो नहीं है कि मतलब वीडियोस बनाएंगे नहीं, वो फील नहीं है यार. मतलब अभी ये भी मैं मेरी दीदी का फोन लेके शूट कर रहा हूँ, पर एक और रहता है ना ब्रो, मतलब नहीं मन कर रहा है. सीरियसली बोल रहा हूँ आप लोगों को, अभी फोन की हालत देखो आप लोग. सो ये फोन है, सबसे पहले तो तुम लोग देखो इसको, वीडियो पॉज करके देखो. ये फोन टेढ़ा हो गया है, लाइक ये बेंड हो गया है आप लोग, ये बेंड हो गया है देखो. हल्का सा फोन ऐसे हो गया, मतलब ऐसे इस साइड से, तो मतलब ऐसे फ्लिप हो गया है. ठीक है, ऑलराइट. सो गाइस, अभी आप लोगों को शायद अच्छे से दिख रहा होगा ये देखो, एंड तुम लोग देख सकते हो डूड कैसे बेंड हो गया है फोन एंड कैसे गिरा. आई मीन मुझे कुछ पता नहीं चला डूड, एंड जैसे ही फोन गिरा मैं सीधा नीचे भाग कर गया एंड पूरा गया डूड, पूरा गया. देखो ये यहाँ से भी इसको कुछ तो बेंड हो गया ये. आई मीन आप लोगों को दिख रहा होगा, ये दिखा बेंड, ये एक बेंड पार्ट हो गया, एक पार्ट ये बेंड हो गया. तो ओवरऑल मतलब पूरे फोन की वाट लग चुकी है. सो ये है मेरे 3,000 का पूरा. ये पूरा गया डूड, आप लोग बोल सकते हो कि लग जाएगा, पर ये लग रहा नहीं है, बहुत लूज है. एंड ये जो माइक का होल्डर है देखो, ये माइक का होल्डर यहाँ से टूट गया. ये तो माइक होपफुली अच्छा है कि जो मेन अपना बेसिकली जो मेन माइक है वो, उसको कुछ नहीं हुआ. थोड़े बहुत डेंट्स पड़े है, ये देखो थोड़े बहुत डेंट्स पड़े, पर ये जो ये जो फेदर था अपना, इसके वजह से अपने को कुछ भी नहीं हुआ. इसकी वायर, क्योंकि धप्पड़ इसी वायर के ऊपर ही गिरा है, जो बेसिकली ये जो वायर लगती है, सब खत्म हो गया डूड. अभी ये देखो क्या बुरी तरह से टूटा है. सो डूड अभी कुछ पता नहीं कि ये चीज बनेगी नहीं बनेगी, बहुत सीन होने वाले यार. सबसे पहली बात तो सब कुछ सारी इम्पोर्टेंट चीजें फोन के अंदर थी, एंड जब डिस्प्ले डालेंगे, जब भी ओपन करेंगे या जब भी रीसेट करेंगे तो सब कुछ डेटा हो जाएगा, वही चीज का डर है. मेन रीजन ऑफ रिएक्टिंग ऑन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन इज क्योंकि मुझे ही पता है हमने कितने मेहनत से वो फ़ोन ख़रीदा था. लाइक मेरी दीदी ने मुझे दिलाया था वो फ़ोन इतने ज़्यादा ज़िद के बाद, एंड वो फ़ोन डूड
हम लोगों ने लोन पे ख़रीदा था एंड उसकी ईएमआई जो लास्ट ईएमआई वो लास्ट मंथ ही कटी, लास्ट मंथ आई मीन हाँ मार्च में फरवरी में, हाँ समथिंग फरवरी या मार्च में ही कटी एंड वो फ़ोन टूट गया। अभी उसमें 5-6 हज़ार का आराम से खर्चा है, तो इसी वजह से बुरा लग रहा है। और कुछ ना हो सकेगा मैं ट्राई करूँगा मेरी दीदी मम्मी वगैरह के फ़ोन से शूट करने का, पर अभी फ़िलहाल कुछ दिनों तक तो वीडियो शायद नहीं आएगी क्योंकि पूरा मूड ख़राब हो गया है बॉस, ताकि उनकी वजह खौफ।